इसी साल लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में बिहार में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने अपना जलवा दिखाया। पवन सिंह ने काराकाट से चुनावी मैदान में ताल ठोकी और ना सिर्फ एनडीए प्रत्याशी को चुनाव हरवाया बल्कि अच्छा खासा बीजेपी का नुकसान भी किया। और अब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बाद एक और भोजपुरी के स्टार चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये भोजपुरी स्टार कोई और नहीं बल्कि फेमस सिंगर रितेश पांडे हैं। रितेश पांडे विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रितेश पांडे भभुआ विधानसभा सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा के लिए अपनी चुनावी ताल ठोक दी। लक्ष्मी भवन भभुआ के ठीक सामने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उद्घाटन करते के साथ वहां के लोगों से मिलकर बातचीत की और ये कह दिया कि मैं नेता या गायक नहीं बल्कि यहां का बेटा हूं। लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में शिक्षा के स्तर को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया। साथ ही साथ रितेश पांडे ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। इस मकसद में चुनाव के लिए पहली बार आप उतर रहे हैं। देखिए मकसद यही है कि जहां से हम सेवा का कार्य शुरू करने वाले हैं वहां पे हमारी उपस्थिति 24 आवर्स रहे। इसलिए कार्यालय का उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे हम हमेशा मौजूद रहे। अगर हम नहीं भी रहे तो हमारे लोग आ रहे हैं ताकि कोई भी बात हम तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा, पहली बार लोगों के जहन में सवाल आया जो रितेश पांडे एक गाना गाते थे, क्या वो समय जीतने के बाद जीते तो दे पाएंगे आप? देंगे, क्या बात कर रहे हैं। देखिए हम सेवा आप लोग के आशीर्वाद से महतारी की कृपा से सेवा हम शुरू से करते आए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कोविड का समय था और हमने देखा टीवी में न्यूज वगैरह आता था कि लोग कुछ लोग कितने लोग के पास खाने के लिए नहीं है। वैसे सरकार ने अच्छी व्यवस्था की फिर भी कितने लोगों तक मदद नहीं पहुंचा था। तो हम लोगों ने त्वरित माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट के नाम से एक, जैसे उस समय रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता था, ऐसे ही फेसबुक पे हम लोगों ने सेवा ट्रस्ट बनाया, उस पर एक नंबर जारी किया और लोग उस पर फोन किए जिनको भी जरूरत थी संसाधनों की और उनके सीधे अकाउंट में हम लोग बिना सोच बिना हल्ला किए कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सेवा किए, उनको पैसे भेजे उनके डायरेक्ट अकाउंट में। तो देखिए सेवा भाव तो शुरू से है लेकिन अब अगर हमें ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो ये हमारा कर्तव्य हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले काराकाट से पवन सिंह ने चुनावी मैदान में ताल ठोका था। लोकसभा चुनाव में पावर स्टार का जलवा हर किसी ने देखा। हालांकि पवन सिंह चुनाव जीत नहीं पाए लेकिन उन्होंने बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और इस बार किस्मत आजमाने उतरे हैं रितेश पांडे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त बचा हुआ है लेकिन इससे पहले ही रितेश पांडे ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। देखना होगा कि रितेश पांडे आने वाले चुनाव में इसी विधानसभा सीट से ताल ठोकते हैं और अगर चुनावी मैदान में रितेश पांडे उतरते हैं तो जनता का कितना प्यार भोजपुरी सिंगर को मिलता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।